उसका पता न था, यूं तो कोई गिला नहीं। ये कौन मुझ में छुप के मुझे देखने लगा, इतना हसीन पहले कभी आईना न था। यूं तो कोई गिला नहीं, के बाद तुम नॉर्मल हो सकती हो, लेकिन मैं नहीं। ऑफिस जाऊंगा तो मे बी आई फील अ लिटिल बेटर। मैं आपको कभी इस चुड़ैल के लिए माफ नहीं करूंगी मिस्टर सर। इतनी बड़ी भूल के बारे में आपको आज याद आया कि चलो मुझे भी बता दिया जाए। जब आपकी इस भूल का नतीजा आपका बेटा 2 साल का बच्चा। क्या बात है मम्मी, आप क्यों इतना परेशान है? अच्छा ठीक है, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ आपकी परेशानी जानने आई थी। मैं जानना चाहती हूँ आपको क्या परेशानी है, आप क्यों परेशान हैं? मैं परेशान नहीं, तो तुम्हें ऐसे कैसे लग गया कि मैं परेशान? मैं परेशान नहीं। मम्मी, आपकी बेटी आपको 10 साल से जानती है, अच्छी तरह से पहचानती है। आपको कोई परेशानी हो और मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। बताइए ना क्या बात है। नहीं कुछ नहीं, वो अस्पताल का माहौल और न जाने तुम क्या सोच बैठी हो। अच्छा आराधना, तुम अस्पताल जा रही हो ना, तो मैं उनके लिए एक शॉल भेज देती हूँ। आप नहीं चलेंगी? नहीं, थोड़ी थक गई हूँ। और वैसे भी तुम तो जा ही रही हो, मैं बाद में चली जाऊंगी। जिंदगी के फैसले लेने की आजादी दी है, लेकिन उसका तो नाजायज फायदा उठा रही हो। बस करो, शांत हो जाओ। अरे कितना डांटोगी इसे? आपने ही बिगाड़ रखा है इसे। देखो, तुम्हें संजना को जो कुछ कहना था तुमने कह लिया, अब मुझे बात करने। इसकी ना के पीछे क्या कारण है मैं पूछता हूं इसे। संजना बेटी, ये सब क्या है? तुम्हारी ये रोज रोज की ना ने परेशान कर दिया है। देखो बेटा, मैं तुम्हें ना तो डांटूंगा और ना ही ज्यादा सवाल पूछूंगा। तुम बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? कौन है वो बेटा, बता ना बेटा। जी वो अक्षय सरीन। और उसका परिवार, उसका खानदान? जी वो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जवाहर सरीन का सबसे छोटा बेटा और शैलेंद्र सरीन का छोटा भाई है।
इंजेक्शन यहाँ चेंज करके इंट्रामस्कुलर दे दीजिएगा अभी, हाँ आईवी देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके चलो। यस अंकल कहिए कैसा लग रहा है आपको? और कितने दिन इस जेल में मुझे रहना पड़ेगा? जब तक आप मुझे कंपनी देने के काबिल नहीं होंगे ना, तब तक मैं आपको डिस्चार्ज करने वाला नहीं हूँ। मैंने तो पीना शुरू कर दिया भाई। हाँ पी लीजिए पी लीजिए, दिल के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तो उस पीने की बात कर रहा था जो आत्मा को तृप्त कर देता है। शुक्र मनाइए पापा मम्मा इधर नहीं है, वरना ये डॉक्टर तो जरूर बदल जाता। बाय द वे निर्मला आंटी है कहाँ? काफी देर से दिखाई नहीं दी वो। जी वो सुबह से। गुड मॉर्निंग सर। अब जवाहर साहब की तबीयत कैसी है? अगर आप कहें तो मैं चला जाऊं हॉस्पिटल उनकी देखरेख के लिए। ऑफिस में ज्यादातर लोग छुट्टी पर हैं तो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सॉरी वो पेंडिंग प्रोजेक्ट की फाइल मुझे लाके दे दीजिए जी। और वो मार्केटिंग टीम में लिस्ट रेडी की थी, आई नीड दैट। सर वो लिस्ट तो आपको निकिता जी ही दे सकती है, और वो भी आज ऑफिस नहीं आई है। निकिता ऑफिस नहीं आई है? वो तो छुट्टी पे है। ठीक है मिस्टर सॉगी, काम कीजिए, वो लिस्ट आप तैयार कर दीजिए। आई नीड इट अर्जेंटली। ऑलराइट यस सर, आई विल डू इट। शैलेंद्र, आई नो हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट मैंने यही बताने के लिए फोन किया था कि मैं वापस आ गया और आज बिल्कुल फ्री हूं। सो इफ यू वांट हम आज मिल सकते हैं, लेकिन फाइनलाइज ऑल द डिटेल्स। सो लेट्स डू इट। चाची आप ये क्या कर रहे हो? बेटा ये दादू के कपड़े हैं, मैं दादू के लिए ले जा रही हूँ हॉस्पिटल। दादू के कपड़े? दादू घर वापस नहीं आ रहे हैं? आएंगे बेटा, लेकिन अभी लगता है एक आध हफ्ता और लगेगा। चाची हम भी आपके साथ चले, दादू हमें देख के बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ चाची मैं अपना चेस बोर्ड भी ले चलता हूँ, वहाँ दादू के साथ खेलूंगा। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अभी तुम दोनों दादू से मिलने नहीं जा सकते। दादू आईसीयू में है ना, इसलिए उन्हें हर कोई नहीं मिल सकता। जब वो आईसीयू से बाहर आ जाएंगे तब हम सब चलेंगे उनसे मिलने। चाची ये कार्ड और चेस बोर्ड मेरी तरफ से दादू को दे देना, और कहना कि चेस दूसरे पेशेंट्स के साथ खेल ले। सुनो बेटा देखना कौन है। चाचू का फोन है, आप ही उठाइए। हेलो। हाय आराधना, वो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है क्लाइंट्स के साथ। उनके साथ वो प्रोडक्शन मार्केटिंग बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, इसलिए वो निकिता को भी साथ लेके जा रहा हूँ मैं। पर आप पापा के पास? उसे बात हो गई है आराधना, वो कह रहे थे डैड इज फीलिंग मच बेटर नाउ। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि डैड नीड्स कंप्लीट रेस्ट। लोगों से बातें करेंगे खुद को थका लेंगे। There's no point in that. But anyway, मैं मीटिंग खत्म होते ही डैड से मिलते हुए आऊंगा। तब तक वहां कोई और होगा भी नहीं, which will be much better. बस यही बताने के लिए फोन किया था। शाम को थोड़ी देर हो जाएगी, so don't worry. ठीक है। Bye. हाँ, बोलो। अक्षय ये क्या? मैंने तुम्हें छोड़कर जाने की बात क्या कर दी? तुमने तो मेरे कॉल्स ही अवॉइड करना शुरू कर दिया। संजना मेरे डैड बिल केयर हॉस्पिटल में आईसीयू में है। ओह आई एम सो